हालात जिधर चल रहे हैं मुसलमानों को उससे सबक लेना चाहिए, अपनी बच्चियों के लिए अलग स्कूल बनाने चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल हापुड़ गए हुए थे जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी वहां पर बन रहे लड़कियों के इंटर कॉलेज के भवन के शिलान्यास में, जहां पर नींव रखकर आज सोमवार को उन्होंने शिलान्यास किया, जिसके बाद मंच से उन्होंने जो कुछ कहा वो वाकई बहुत ज्यादा विवादित था। दरअसल उन्होंने ये बात कही है कि हमें समय के साथ मुसलमानों को सबक लेना चाहिए और लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाने चाहिए। आपने बिल्कुल सही सुना, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाने की बात कही है। और इसी के साथ उन्होंने भारत छोड़कर जो विदेश गए हैं उद्योगपति, भारत का पैसा लेकर, उस पर भी टिप्पणी की है। आप ये वीडियो देखिए। जमीयत उलेमा हिंद ने मुल्क के मौजूदा हालात के अंदर और मखलूत तालीम के सिलसिले में जो सूरत हाल सामने आ रही है, जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि हम पूरे मुल्क के अंदर जो दौलतमंद लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, हम उनसे ये कहें कि वो अपनी बच्चियों के लिए मिली जुली लड़कों के साथ तालीम से हटकर बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग मुस्तकिल दरसगाहें और स्कूल बनाएं। हमारी ये एक तहरीक है। हालात जिधर चल रहे हैं मुसलमानों को उससे सबक लेना चाहिए और अपनी बच्चियों के लिए अलग स्कूल बनाने चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, साफ तौर पर जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साफ तौर पर यहां पर देखे जा सकते हैं कहते हुए कि अलग से लड़कियों के लिए स्कूल बनना चाहिए, मुसलमानों को समय रहते सबक लेना चाहिए, ये बात कह रहे हैं मौलाना साहब। और इसके साथ ही साथ जो उद्योगपति विदेश गए हैं पैसा लेकर, उससे भी लेकर कहते हैं कि पहले ही खबर ले लेनी चाहिए थी, लेकिन भारतीयों ने कोई खबर नहीं ली, मुसलमानों को सबक लेना चाहिए। ये बड़ी बातें कही हैं मौलाना अरशद मदनी ने, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ चुके हैं। ऐसे में क्या है वीडियो पर आपकी राय, कमेंट करके बताइए। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।